दिया बुझने से पहले जो फड़फड़ाता है वो सिर्फ फड़फड़ा रहे हैं, नंगे पैर पाकिस्तान से ट्रैवल करके मक्का तक जाता है। उन्होंने बोला कि बाबा साहब की ख्वाहिश थी कि 370 हटना चाहिए, 42,000 आम निर्दोष कश्मीरी मारा गया। कांग्रेस को अलगाववाद की जननी मानती हूँ, सबसे ज्यादा कश्मीर को इस टाइम कांग्रेस और उनके नेताओं से दूर रखने की जरूरत है। एंड बीइंग अ मुस्लिम, मैं तो देखती हूँ कि मुसलमानों को कैसे वो लोग फियर मॉन्गरिंग करते हैं और कैसे मुसलमानों को डरा के अपनी राजनीति करते हैं, सिर्फ उस कौम को ये दिखाने के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम डरे रहो और हमारा दामन पकड़ के खड़े रहो, हमें वोट दे के हमें सत्ता में लाते रहो। और जो लोग पाकिस्तान परस्त वहाँ पे पाकिस्तानी झंडा फहराते थे, उन लोगों को वहाँ से निकाल के फेंक दिया जाए। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि मोदी और ट्रंप की अब G7 के अंदर मीटिंग हुई और उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पल थे, जब ट्रंप ने हाथ बढ़ाया मोदी जी की तरफ और उन्होंने हाथ मिलाया, तो वहाँ पर देखा गया कि इतनी मजबूती के साथ खड़े हुए थे और वही मजबूती देखने के बाद इमरान खान को कहीं ना कहीं डर सताने लगा। और तो मैम, इस पर आप क्या सोचती हैं, किस तरह से बात होनी चाहिए? देखिए, बात अगर होने से मसला हल होना होता तो इतने सालों में अब तक हो गया होता। अब तो इमरान खान जी वही वाली बात कर रहे हैं कि अब जब उनके हाथ से सारी चीज़ें निकल ही गई हैं, कोई उनको इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल रही है, उनके पास फाइनेंशियल कितना क्रंचेज, उनकी कंट्री में बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग ऐसे किसी के लिए बोलते नहीं, हमारा कल्चर नहीं है, बट उन लोगों के यहाँ खाने पीने की भी परेशानी हो गई है, बहुत फाइनेंशियल लॉस में वो कंट्री है, तो उन लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा इस तरह की बातें कि लेट्स कि हम बात कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली सच ये है कि अब तीर कमान से निकल चुका है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, कश्मीर तो हमारा था और जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी वो भी हमने सुलटा ली हैं। अब एक्चुअली हम लोगों की नज़रें जो हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की नज़रें अब होनी चाहिए और जो हमें दिख रही हैं वो POK की तरफ हैं, और उस जो हमारे और बहुत सारे बल्टिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मुझे तो लगता है अब पाकिस्तान का आई थिंक, देखिए जो जन्मा होता है उसका अंत ज़रूर आता है, मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान का एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, वो कंट्री अब ख़त्म होने की कगार पे पहुंच चुकी है और बस जो एक दिया बुझने से पहले जो फड़फड़ाता है वो सिर्फ फड़फड़ा रहे हैं, तो इसमें हम सिर्फ एक सहानुभूति प्रकट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ पाकिस्तान से आवाज़ें आने लगी हैं कि इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो क्या लगता है कि जो कश्मीर का मुद्दा जो इतनी उनके लिए तो उलझा हुआ है और इंडिया के लिए एकदम सेफ है, POK की बारी आ रही है, तो क्या लगता है कि इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, इमरान खान जी के बारे में मेरे जो विचार हैं वो थोड़ा अलग हैं। मैं उनको जो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट भी मानती हूँ, मैं उनकी जो एलिजिबिलिटी है उसको ही बहुत बड़े शक के दायरे में देखती हूँ, क्योंकि आप थोड़ा भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1971 के बाद पाकिस्तान में आज तक कभी प्रॉपर इलेक्शन भी नहीं हुआ है। वहाँ पर प्रॉपर एक मिलिट्री रूल है और वहाँ पर प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर करके नेता लाए जाते हैं। इमरान खान जी को भी इसी तरह से लाया गया है। जो पोलिंग बूथ होते हैं वहाँ पे एक एक पोलिंग बूथ पे तीन तीन चार चार आर्मी पर्सनल थे और ज़बरदस्ती लोगों के वोट डलवाए गए हैं, उनको लाया गया है। तो वो इस्तीफ़ा दें ना दें, मुझे लगता है उनके अंदर ना तो वो, जैसे हमारे लकली टचवुड हमारे मोदी जी हैं, उनके अंदर तो एक प्राइम मिनिस्टरियल एक पावर, एक स्ट्रेंथ, वो जज्बा कुछ है ही नहीं, तो वो इस्तीफ़ा दें ना दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक उनका पर्सनल एग्जाम्पल दे देती हूँ कि उनकी बीवी, जिनके बारे में कहा जाता है कि ISI एजेंट हैं, जिनसे उन्होंने अभी तीसरी शादी आई थिंक करी है, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो उनको बोलती हैं कि आप जूते उतार के जाइए, तो वो मक्का पूरे एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर नंगे पैर पाकिस्तान से ट्रैवल करके मक्का तक जाता है। तो क्या हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करेंगे? क्या वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेंगे? क्या उनकी नीयत होगी? क्या उनकी नीतियाँ होंगी? तो इस्तीफ़ा दें ना दें एक ही बात है, प्राइम मिनिस्टर बन के भी हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो जैसा कि आपने बीवी का छेड़ी दिया, तो एक बात और मैं पूछ लेता हूँ कि जो फर्स्ट बीवी है उन्होंने तो इनके ऊपर सीधा आरोप लगा दिया कि मोदी जी से इन्होंने कुछ साठगांठ करके कश्मीर को सौंपा है, अगर इनको पहले से पता था तो एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, मैं इस पे, मैंने इस बात को फॉलो नहीं किया है तो मैं कोई ऑफिशियल रिमार्क नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन इनकी जिन वाइफ की आप बात कर रहे हैं उन्होंने इनके ऊपर बहुत भी मज़ेदार एलिगेशंस और दूसरी भी लगाई हुई हैं। एक किताब भी है उस उनकी, एक ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपनी इमरान खान जी की पूरी लाइफ के ऊपर छपी है, तो सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, तो आप इमरान खान को तो सीरियसली लेना छोड़ ही देंगे।
तो अच्छा, अपने देश से भी कहीं ना कहीं जो एक विपक्ष में भूमिका निभाने वाली मायावती जी हैं, उन्होंने 370 पर खुल के समर्थन किया है और राहुल गांधी जी से बोला है कि आप गए क्यों थे, आपकी जरूरत क्या थी कश्मीर जाने की। देखिए, मायावती जी की इस स्टैंड का मैं बहुत दिल से सम्मान करती हूँ कि एटलीस्ट एक जो देश से जुड़ा मुद्दा था उसमें उन्होंने अपने दिल की आवाज़ सुनी, उसमें उन्होंने पॉलिटिसाइज नहीं किया मैटर को। उन्होंने बोला कि बाबा साहब की ख्वाहिश थी कि 370 हटना चाहिए, उनकी ये दिल से ख्वाहिश थी कि 370 हमारे संविधान में डलना ही नहीं चाहिए। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि उस वक्त बहुत से ऐसे सिर्फ जवाहरलाल नेहरू या फिर शेख अब्दुल्ला जैसे देश को तोड़ने वाले लोग नहीं थे, कुछ वहाँ पे ऐसे विजनरी भी बैठे थे जो देश के लिए सोचते हैं, इसलिए उन्होंने टेम्प्ररी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन उसमें डाल दिया था कि अभी तो हम लोग मजबूर हैं, हमें डालना पड़ रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हटा दिया जा सके। तो मायावती जी ने स्टेटमेंट दी है कि अर्बन नैक्सल, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि सभी लेफ्टिस्ट, अर्बन नैक्सल्स, कांग्रेस और इस मानसिकता वाले लोगों को कश्मीर से अभी दूर रहना चाहिए जब तक वहाँ के हालात नॉर्मल नहीं हो जाते, और सरकार को टाइम देना चाहिए वहाँ पे नॉर्मलसी मेंटेन करने के लिए। एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जब ऑपरेशन होता है, एक बात बताइए, जब कोई किसी भयंकर बीमारी को, किस कैंसर को बॉडी से निकालने के लिए कोई ऑपरेशन होता है तो थोड़े टाइम के लिए पेशेंट आईसीयू में रहता है। अभी हमारा कश्मीर आईसीयू में है, तो जब कोई पेशेंट आईसीयू में होता है तो उसको कीटाणुओं से, इन्फेक्शन से दूर रखा जाता है। तो ये अलगाववादी, ये राहुल गांधी, ये मुफ्तीज एंड अब्दुल्लाज एंड हुर्रियत एंड ये जो न्यू ब्रिगेड है, शहला राशिद, टुकड़े टुकड़े गैंग, इन सब लोगों से कश्मीर इस वक्त कोसों दूर होना चाहिए क्योंकि वो हीलिंग स्टेज में है, उसको अभी हील होने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जितनी सेंसिटिविटी के साथ गवर्नमेंट ने इस इशू को हैंडल किया है, सारे अलगाववादियों को हाउस अरेस्ट पे डाल दिया कि भड़काऊबाजी बयान ना करें, कोई वायलेंस ना हो, 144 लगा दी कि मतलब लोगों को कोई ब्लडशेड ना हो, बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ इशू को हैंडल किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पेशेंट है, जो कश्मीर है, उनकी बीमारी का ऑपरेशन हो चुका है और वो बहुत जल्दी हील कर जाएंगे और बिल्कुल एक हेल्दी हम लोगों का पूरा एक अखंड भारत हो जाएगा। राहुल गांधी हैं, अब जब 370 हटी तो कश्मीर जाने की इच्छा जताई उन्होंने, और जो कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडित थे उनको वहाँ से मार करके भगाया गया, तो कोई भी ना तो अलगाववादी ना कोई टुकड़े टुकड़े गैंग उनके टेंट तक नहीं पहुँचा कि उनके हालात क्या हैं, तो ऐसा क्या चाहते हैं ये लोग? आपने तो एक ही एग्जांपल दिया, मैं आपको 3-4 एग्जांपल दे देती हूँ कि ये जो अभी एकदम ऑपोजिशन बन के और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए वहाँ पे पहुँच गए हैं दौड़ के, आप मुझे एक बात ये बताइए कि पिछले 30 सालों में 42,000 आम निर्दोष कश्मीरी मारा गया, तब इन लोगों को वहाँ जाने की याद नहीं आई। 85,000 डेजिग्नेटेड पत्थरबाज, जिन्हें पैसे दे दे के पत्थरबाज बनाया गया है, और वो पूरा यूथ वहाँ पे ख़राब हो रहा है, पाकिस्तान परस्ती हो रही थी, अलगाववाद हो रहा था, आतंकवाद फैल रहा था, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था, आईसिस के, जैश ए मोहम्मद के, लश्कर ए तोयबा के स्लीपिंग सेल्स कश्मीर में खुल रहे थे, जम्मू में रोहिंग्या लिबरेशन फ्रंट का जो ISI ऑपरेट करती है हेड ऑफिस चल रहा था। आज तक कभी इन लोगों को कश्मीर की याद नहीं आई, कश्मीरियत की याद नहीं है, वहाँ नहीं पहुँचे। पिछले 30 सालों में 10,000 सैनिक हमारे जम्मू एंड कश्मीर में मारे गए हैं, आज तक ये लोग वहाँ नहीं पहुँचे। और अभी जो कश्मीरी पंडित का तो आप दे ही चुके एग्जाम्पल, 3.5-4 लाख कश्मीरी पंडितों का मास मर्डर, रेप, स्लॉटर करके निकाल दिया गया उस कश्मीर से, आज तक ये लोग वहाँ नहीं पहुँचे। और आज जब बीमारी का इलाज हो रहा है, आज जब वहाँ पे शांति है, आज जब वहाँ पे कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही, वहाँ पे कोई आतंकवाद नहीं हो रहा, अलगाववाद नहीं मच रहा, कट्टरवाद नहीं मच रहा, आज ये लोग वहाँ जाएंगे। तो इन लोगों की इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ देश में बंटवारा करने की है, बाकी तो छोटे मोटे अलगाववादी हैं। मैं कांग्रेस को अलगाववाद की जननी मानती हूं, सबसे ज्यादा कश्मीर को इस टाइम कांग्रेस और उनके नेताओं से दूर रखने की जरूरत है ताकि वो प्रॉपर्ली हील कर सके, उसका इलाज हो सके। कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो सत्यपाल मलिक हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये राज्यपाल नहीं, ये तो बीजेपी के राज्यपाल हैं। देखिए, अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स का तो मैं क्या ही जवाब दूँ, उनकी इंटेंशन ही गलत है, जब किसी की नियत ही गलत है तो आप उस पर उसकी किसी भी बात पे क्या भरोसा करेंगे। जो एक झूठ बोल सकता है वो 100 झूठ भी बोल सकता है, उनकी इंटेंशन ही गलत है। तो दिस इज़ जस्ट अ शेयर पॉलिटिकल रिमार्क, और मैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा भाव या बहुत ज़्यादा सीरियसनेस से इन लोगों को देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब से
जब से एक होता है कि जब हम लोग छोटे थे हम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें शुरू में नहीं पता थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, हमने अपना इतिहास पढ़ा, हमने जाना देश का बंटवारा कैसे हुआ, किस मानसिकता ने उस देश का बंटवारा किया, कौन लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं, कौन लोग हैं जो राष्ट्रवादी हैं, जब ये सारी बातें हमें समझ आई तो कांग्रेस हमारे सामने पूरी तरह एक्सपोज हो गई। एंड बींग अ मुस्लिम, मैं तो देखती हूँ कि मुसलमानों को कैसे वो लोग फियर मॉन्गरिंग करते हैं और कैसे मुसलमानों को डरा के अपनी राजनीति करते हैं। उनको सिर्फ एक कौम को तकलीफ होने का ही दर्द होता है, एक्चुअली दर्द भी नहीं होता, दर्द होने का नाटक करते हैं सिर्फ उस कौम को ये दिखाने के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम डरे रहो और हमारा दामन पकड़ के खड़े रहो, हमें वोट दे के हमें सत्ता में लाते रहो, और देश के बारे में उनको कुछ नहीं सोचना है, उनको सिर्फ सत्ता में रहना है। मैम लास्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, जैसा कि अभी पूरा एक देश एक आ जाएगा, एक देश और एक झंडा, अभी जम्मू कश्मीर के सचिवालय पे एक तिरंगा झंडा लग चुका है और देख करके लोगों को खुशी भी हो रही है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए वो वीडियो जब मैंने देखी थी, मैं सुबह सुबह सोकर उठी थी और वो वीडियो मैंने देखी थी तो एकदम जिसको कहते हैं ना कि पूरी बॉडी में गूज़बम्स, और उस वीडियो के पीछे एक बहुत अच्छा एक पेट्रियाटिक गाना चल रहा था, वो देखकर मुझे दिल से इतनी खुशी हुई। मैं चाहती हूँ कि कश्मीर के हर कोने कोने में तिरंगा लहराए और जो लोग पाकिस्तान परस्त वहाँ पर पाकिस्तानी झंडा फहराते थे उन लोगों को वहाँ से निकाल के फेंक दिया जाए। मैं सेंसिटिविटी की तो बात करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि प्रॉब्लम को दोनों तरफ से अटैक किया जाता है, जिन लोगों को समझाया जा सकता है, जिनको अपनाया जा सकता है उनको आप अपनाइए, लेकिन जो लोग सड़ चुके हैं, जिनकी मानसिकता बिल्कुल ख़राब है, जो देश विरोधी हैं, वो जंग के अलावा या लाठी से या तलवार के अलावा वो लोग नहीं मांगते हैं। मैं वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस चीज़ का जो इलाज होता है वो किया जाता है। अब वो तिरंगा जो देखिए हमारी कंट्री में जो ये कश्मीर में जो इन लोगों ने कर रखा था कि दो झंडे दो संविधान दो प्रधान, वो कितनी ज़्यादा देश को तोड़ने वाली चीज़ थी। तो अब एक संविधान होगा, हमारा तिरंगा देश के कोने कोने में लहराएगा और हमारे देश का एक प्रधान होगा। तो मैं कहती हूँ कि ये 15 अगस्त जो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है वो एक्चुअली में सही मायने में हम लोगों के लिए इंडिपेंडेंस डे है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली में हमारे देश को आतंकवाद के अलगाववाद के कट्टरवाद के क्लचेस से आज़ाद कराया है। और मैं शुक्र अदा करती हूँ गवर्नमेंट का और मोदी जी का, जिन लोगों ने हम लोगों को इस लाइफ टाइम में ये खुशी देखने का मौका दिया।